अभी आप यहाँ पे नजर फरमाइए तो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है। मैं बोल रहा हूँ ना, नॉर्डिक में सब कुछ है। इतना फॉग है, ऐसा फॉग है, दिख ही नहीं रहा है आगे में क्या है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ तवांग। सो कल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, आपने देखा तो यही होटल था कल, जहाँ पे होटल डावा बोल के है ये। हमने वहाँ पे बाइक पार्क किया अपने दोनों। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं। अच्छी जो होटल पे पहुँच गया, अभी मैं जाने वाला हुआ उधर, बहुत धूप है यहाँ पे, तो उसके बाद हम तवांग पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आप लोग को दिखाएंगे कितना हो सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सेम दिरांग जैसे ही है, 1-2-3 किलोमीटर जाने के लिए बहुत देर लगता है। ठीक है, सो ये है महाकाली होटल, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले। मे भी चाय आई डोंट नो ठीक है भैया, नहीं है तो अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया, को हम ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग खा रहे हैं पूरी सब्जी, पूरी सब्जी। अभी चाय ऑर्डर के लिए लाल चाय, तो थोड़ी देर बाद लाल चाय आएगा, अभी वो खाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। पूरी 60 रुपीज़ और लाल चाय 10 रुपीज़ का होता है। और अरे डिनर ये था ना, डिनर डिनर राति कितना लगे रहेगा कि कितने का सिस्टम है? खाली सिस्टम, खाली सिस्टम, खाली सिस्टम है को चिकन खाली दो को अपने इधर ले आएगा बाकी जो होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी हम लोग निकल पड़े हैं माधुरी लेक के लिए, वो देखने के लिए। यहाँ से 34 किलोमीटर बता रहा है, 1.5 घंटा लगेगा ना, 34 किलोमीटर राइट। हाँ चलो। कल रात में तवांग में जितना ठंड था ना, अभी इतना ठंड नहीं है। ऑब्वियसली बात है, धूप निकल रहा है, एंड लोकल वाले से भी बात किया था, वो बोल रहे कि रात में ज़्यादा ठंड होता है, दिन में उतना भी ठंड नहीं। अब अगर आप अच्छे से ठंड का कपड़ा पहन लेते हो तो ठंड नहीं लगता। ठीक है, एंड एक आपको डील की बात बताना चाहता हूँ मैं। कल रात को जब हम तवांग पे पहुँचे थे, हम लोग टोटली डीमोटिवेट थे। हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि इतना दूर जर्नी करने के बाद यहाँ पे आके क्या फ़ायदा, कुछ है ही नहीं तवांग में देखने के लिए। 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, 1 या 2 होटल खुला था, जैसे तैसे मैनेज करके एक होटल बुक कर लिया। हम सोच रहे थे कि नहीं यार, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार सुबह व्यू देख लेते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। देन मैं सुबह आके मॉर्निंग का व्यू देखा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ओ भाई साहब ये तो हेवन है यार, तवांग इज सो ब्यूटिफुल मैन, चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा है। आप मेरे सामने ही देख रहे हो ना, ये सामने आप देख रहे हो ना, कितना सुंदर नज़ारा है। हम लोग टोटली गलत थे, सीरियसली बोलो टोटली गलत थे। एंड अभी हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी प्लेस एग्जिस्ट करता है। That place is gonna be epic man, बहुत ही मजा आने वाला है। आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप करते अच्छा नहीं लगेगा राइट, तो बिल्कुल स्किप मत करना। आज का ये एपिसोड आप मेरे साथ चल के इंजॉय करिए। हम लोग ना ऊपर जा ही रहे, जाते रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं हम लोग, देख रहे आप लोग देख रहे हो, इतना ऊपर, मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं हम लोग अभी।
अभी हम लोग को ये टेंशन हो रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, बिकॉज ये सामने आप देख रहे हैं राइट, चारों तरफ काले काले बादल आ रहे हैं। अगर बारिश हो गया तो हम लोग पूरा मतलब भीग जाएंगे, बिकॉज हम लोग रेन लाइनर रूम पे छोड़ के आ गया। हम लोग भी क्या पागलों जैसे काम करते हैं, पूरा जानी सब कुछ हम साथ में लें, लेकिन जब पास में एक्सप्लोर करना है हम रूम पे सब कुछ छोड़ के आ गया, क्योंकि ऐसा फील होता है पास में ही जा रहे क्यों चाहिए। अभी हम लोगों को पता चल रहा है पास में जाओ दूर में जाओ, पूरा अपना जो भी सामान है वो लेके जाओ, ठीक है। अगर आप भी आए हो ना कभी, पूरा सामान लेके जाना। अभी हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना दे, एंड बहुत ऊपर आ रहे हैं ना, अभी ठंड भी बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अभी कहाँ से जाना जी भैया? माधुरी लेक हाँ, ये रास्ता है ना? ओके थैंक यू। तो ये पेंगा टेंगसो लेक, वाह पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये तो आगे है, हाँ एक उसको पूछा था आगे है बोला वो। चलो वाह पूरा बर्फ से ढका हुआ है, रास्ते पे बर्फ ना मिले, ऐसे रोड पे बर्फ ना मिले, बहुत वीक हो गया कल मेरा। এটো কি লেক? হ্যাঁ এটো কি বা হয়? হ্যাঁ এটো কি বা লেক হয় কসু? ও এটো লেক হয় না। দেখি বলে কি মজা লাগিছে না? হ্যাঁ কি মানে এ এপলে বরফ, এপলে বরফ না কেন বেশি ভাল লাগিছে দেখি বলে। ও ভাই সাহাব কিতনা উপর যাएंगे আব, স্বর্গ তক লে যাওগে ক্যা? এসে তো উপর হি পৌঁছ যাएंगे। माधुरी लेक ठीक है आगे है। आगे कितना दूर है यहाँ से? लेके चलना है सर। हैं हम बैठेंगे थोड़ा उधर, रुकिए रुकिए आगे ले जाते हैं, उठी जाओ बोले। माधुरी लेक कितना दूर है यहाँ से? हाँ ओके बेकरी फिक्री, इधर समोसा खाना सकते थे। इधर खाना सकते हैं ठीक है, इधर सामने ये ना। हाँ ठीक है चलते भैया, ठीक है वेलकम। कहाँ से? अरे कहाँ से? हाँ तो यहाँ पे रोड बन रहा है अभी, तो हो रहा ना हो रहा साहब। क्या नजारा है दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? मस्त ना। अभी हम लोग को उधर पहुंचना है राइट, उस पॉइंट पे पहुंचना होगा। फोटो को माइंड भैया, फोटो को माइंड हो ये रास्ता दिख रहा है? ओ भाई साहब ऐसे ही रास्ता है। ओ
तो এইটো ব্লকটো ইমান হেৰি নহবগে স্লো মোশন দিব নোৱাৰিম আৰু অ' পানী বৰফ হৈ আছে বিকজ মই গোটেই 24x ঠিক কৰিছোঁ যিমান স্পেচত চলিব আগলৈ দেখিছে না কেনেকুৱা ধুনীয়া আন্দা আগলৈ আচলতে পাবলৈ এতিয়া অফৰি কাৰণে কিবা কোনফালে যাব উদিশা নিচে হে যাওঁ চড়ে না ওয়াই জংশন হ্যাঁ মোড় পড়া হোক এসে ওয়াই জংশন সে উধর ই নিচে চলো তো अरे नीचे कितना दूर रहेगा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर नीचे जाओगे वहाँ पे टर्निंग आएगा एक पीसीबी टाइप का हाँ वहीं से वहाँ से पूछ लेना वो बाद में देखना है और रूट दिखा देगा ओके 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 हे बेलग रोड आएगा तभी अभी सीन ऐसा हो गया है कि जहाँ पे हम लोगों ने दो भैया लोगों को ड्रॉप किया था उससे थोड़ा आगे ही दो रोड का ऑप्शन था, एक जाता था लेफ्ट में एक जाता था राइट में। हम लोग को लेफ्ट में लेना चाहिए था लेकिन गलत हो गया, उस प्लेस को बोलते हैं वाई जंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग को उधर तक जाना होगा। एंड इधर आके भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आपने थोड़ी देर पहले फोटोज़ देखा, व्यूज़ देखा, कितना अच्छा व्यूज़ आ रहा था राइट। एंड यहाँ पे मैंने अपना टीजर का थंबनेल के लिए भी फ़ोटो खींच लिया। ठीक है चलिए फिर से वहाँ तक चलते हैं हम लोग। लेक का रास्ता तो पूरा ऑफ रोडिंग है, सबसे ऑफ रोडिंग मिल रहा है, लेकिन पूरा ऑफ रास्ता ही ऑफ रोडिंग होगा। तो अभी हम जा रहे थे अपने जगह, एक भैया लोगों ने हमको रोकाया प्रसाद खाने के लिए, तो अभी हमने ये पहना है ना अच्छी जगह। हाँ, ये मतलब टोपी होने से भी हो सर ढकना चाहिए। okay, तो वैसे okay. तो टोपी तो हम लोग हर वक्त पहनने का मौका मिलता है, लेकिन ये पहनने का मौका हम लोग नहीं देता। हाँ। तो टोपी बैग में डाल दिया, ये पहन लिया। ये पहन लिया, तो अभी हम लोग को प्रसाद खाने के लिए बोल रहे हैं बाल ढकना चाहिए। ओके बाल ढकना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सर भैया अभी हम लोगों ने बैठ लिया, दिक्कत नहीं, हम वीडियो कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पूछ रहे वीडियो कर पाएगा नहीं, तो वीडियो कर सकता है। थैंक यू। तो अभी हम खा सकते हैं मे बी, तो अभी हम खा सकते हैं। ओके तो अभी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। खाने के टाइम में वीडियो नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम लोग यहाँ से पेट फुल करके खाना खा के निकल चुके हैं। एंड एक और बार आपको बता देता है कि हम लोगों ने यहाँ पे परमिशन लेके शूट किया है, ठीक है। आप लोग को पता ही है जहाँ पे आर्मी एरिया होता है वहाँ पे शूट करने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने 2-3 बार पूछा, उसके बाद ही हम लोगों ने शूट किया, ठीक है। एंड पास में ही एक गुरुद्वार का मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद बांट रहा है, इसलिए यहाँ पे आप शूट कर सकते हो, ठीक है। भैया लोगों को पूछा कि आगे का रोड कैसा है, वो बोल रहे कि माधुरी लेक तक पूरा ऑफ रोडिंग है, पूरा ख़राब रास्ता है, अभी तो हालत ख़राब होने वाली है। ये बर्फ के बीच में रास्ता जा रहा है, ये माउंटेन देख रहे हैं वो भाई साहब, ये देखो पीछे कल जैसा रोड,
पर ध्यान से जाना होगा। देखो अच्छा जो ए जाओ रे जाओ रे कहाँ से देंगे तो जी। लेक देखने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? लेक लेक के लिए ये नीचे से ओके। बाइक यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना? बाइक को यहाँ पे रुकाना पड़ेगा, बाइक आपको बाहर रखना पड़ेगा उधर। ओके ओके उधर चलिए नीचे रास्ता है जिंटो के पास से। ओके थैंक यू। ओके चलिए लोग हम फाइनली कहाँ पे पहुँच गए? माधुरी लेक एके संगसर लेक। प्राउड टू बी इंडियन। यस क्या सुंदर नज़ारा है, मतलब इतना ऑफ रोडिंग, मतलब इट्स वर्थ इट। लुक एट द व्यू, सन इस तरफ से आ रहा है तो एक्सपोजर का थोड़ा इशू होगा। देखिए आप इसे नज़ारा देखिए आप लोग, क्या मस्त है ना। ये देखिए तो फाइनली तवांग के एक पॉपुलर डेस्टिनेशन हम आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी देख के। यहाँ पे बहुत ठंड है, देख रहे हैं बहुत ठंड है यहाँ पे। माधुरी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे आगे, थोड़ा जला हुआ पेड़ है। आई डोंट नो वो किस लिए है लेकिन सब कुछ जला हुआ है। अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप लग रहा है लुक, मतलब राइट कुछ डिफरेंट लुक दे रहा है ना। ये रहे हम दोनों, ये भी ब्लॉग कर रहा, मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ। चलिए हम लोग अभी थोड़ा फोटो खींच लेते हैं। चलो बैठने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह है देखिए, और पे खाने के लिए भी जगह है ना, भैया ने बोला था खाने पे इधर का ही जगह है। लंच कर सकते हैं ना हम लोगों ने, सरप्राइज लंच कर लिया। सरप्राइज लंच कर लिया। ये हम लोग का नेशनल फ्लैग। जय हिंद। कैसा लग रहा है व्यू? आपको एक और व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है कितना साफ पानी है। ये कॉटेज है, यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं अगर यहाँ पे आए तो, ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज माय फेवरेट। यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। तो आखिरी बार आपको दिखा रहा हूँ, दिस प्लेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ऐसा प्लेस नॉर्थ ईस्ट में है। मैं बोल रहा हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ है। आखिरी बार दिखा रहा हूँ आपको, तो मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा इतना सुंदर प्लेस देख के, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि घर जाना होगा, तवांग जाना होगा, सब कुछ करना होगा, आपको ब्लॉग एडिट करके दिखाना भी होगा राइट। तो बाय बाय माधुरी पॉइंट, सी यू। खेली वाली बने वहाँ सब बुलेट साइड हो रहे डेमो मशीन हो रहे थाना पर पूरा पूरा थाना है। वैसे मशीन नहीं हो रहा था। आपको तो एक बात बताना भूल ही गया, माधुरी लेक के अंदर इंडियन आर्मी का एक शॉप है, वहाँ पे आप इंडियन आर्मी का टी शर्ट शूज वगैरह सब कुछ खरीद सकते हो। हम लोग को एक शू बहुत ही पसंद आया, आपको शू दिखा नहीं पाया बिकॉज शॉप के अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, तो हम इसीलिए आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन वो शूज़ बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम उसको खरीद नहीं पाया क्योंकि
हम लोग कैश लेके नहीं आए, एंड यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं रहता बिकॉज रिमोट एरिया है, नो नेटवर्क, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो ऑनलाइन पेमेंट। तो थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन आप अगर कभी भी यहाँ पे आते हो तो थोड़ा कैश लेके आइए, छोटा छोटा सामान यहाँ पे आप खरीद सकते हो, ठीक है। গাড়ি গেছে স্লিপ যাবো এখানে যা, লেফটে যা, লেফটে যা, এই দেখো বরফ মে দিক্কত হতা হ্যাঁ দিক্কত হতা বরফ মে হতা। हम लोगों ने तावांग से माधुरी लेक आने के टाइम पे एक बहुत बड़ा गलती किया, हम लोग अपना टायर पंप एंड टायर पंचर किट रूम पे छोड़ के आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग रोड है, यहाँ पे टायर पंचर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कभी भी यहाँ पे बाइक लेके आ रहे हो ना, टायर पंप एंड टायर पंचर किट लेके आए, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया, अगर कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाता, राइट। कान बहुत बढ़ रहा है, मेरे हाथ जम रहे हैं, अभी शाम हो रही है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखो हम लोग ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग, कब से ऑफ रोडिंग पे आ रहे हैं, अरे यार कब खत्म होगा, अरे बाबा तुम। रात में फॉग का डेप्थ ना इतना बढ़ रहा है ना, आश्चर्यों के सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं डिपार्ट ड्यू तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपर में आ रहा हूँ। चलिए गाइस, ये वाला एपिसोड हमको यही पे एंड करना होगा बिकॉज हम एंडिंग पार्ट शूट करना भूल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक करिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप कभी भी तावांग आते हैं तो माधुरी लेक जरूर विजिट करिएगा, आप लोगों ने देख लिया कितना ऑसम प्लेस है, राइट। ऐसा लगता है कि बाहर के कहीं कंट्री में जा रहे हो, तो एक दिन का टाइम निकाल लीजिए एंड जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि नेक्स्ट वाला एपिसोड भी आ रहा है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।